हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? वेल, मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। जी हाँ, आलू पूड़ी, यानी कि आलू की सब्जी और पूड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आलू पूड़ी मतलब पूड़ी के अंदर आलू और वो भी मसालेदार और वो भी मज़ेदार, साथ में पुदीने का रायता, मज़ा आ जाएगा बॉस। आज बनाते हैं बढ़िया संडे ब्रेकफास्ट, आलू पूड़ी और साथ में बढ़िया पुदीने का रायता, चाहे बूंदी का हो, मज़ेदार बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सूजी को गर्म पानी में हल्का सा भिगोना है, मतलब इसका डो बनाना है, लेकिन सूजी जो है वो पानी को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कप सूजी है, उसमें आधा कप गर्मा गर्म पानी डालूंगा। सूजी जो है वो पानी के साथ मिलकर थिक हो जाएगी। सूजी पानी को सोख लेगी और फिर वो बन जाएगी थोड़ी सी मॉइस्ट, मतलब एक लंप बन जाएगा उसका। और फिर उसके ऊपर हमें तीन आलूओं को ग्रेट करना है। अब ये तीन आलू जो है यहां पर ग्रेट कर लेते हैं। अब ये जो तीन आलू हैं, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। एक टीस्पून नमक, उसमें मैं डाल रहा हूं आधा टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन थोड़ा सा हाथ से क्रश करके, साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स करीबन एक छोटा चम्मच, एक चुटकी हींग और एक बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ धनिया, साथ में कसूरी मेथी डालो एक बड़ा चम्मच। अब इसमें डलेगा एक कप आटा। जी हाँ, आटा ही तो है जो सब चीज़ों को एक साथ लेके आएगा, सारे स्वाद को भी, आलू को भी, सूजी को भी, और बनाएगा उसे एक बढ़िया पूड़ी। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच भुना जीरे का पाउडर। अब इस डो को अच्छे से गूंद लेना है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही डो रहेगा। दो एक बार गुन जाए, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे ताकि वो ड्राई ना हो। अब ये डो बिल्कुल तैयार है, इसे 10 मिनट रेस्ट करेंगे। तब तक बनाते हैं मिर्ची के टिपोरे, जो कि राजस्थानी एक क्विक मिर्च का अचार है जो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और साथ में बनाएंगे पुदीने का रायता। तो सबसे पहले एक पैन गरम कर लो, उसमें डालो एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल के बाद उसमें डालो आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ। हींग का अच्छा स्वाद आता है इसके अंदर, तो एक छोटा चम्मच हींग मैंने डाला है। अगर आपके पास तेज वाली हींग है तो आप थोड़ी सी हींग डालिए, ये पाउडर वाली हींग जो है थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अब इसमें डालेंगे ये जो हरी मिर्चें हमने डाइस की हैं। काले नमक से बड़ा अच्छा स्वाद आता है इसमें, तो मैं काला नमक डालना पसंद करता हूं। थोड़ा सा काला नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर। अब टिपोरे में हल्का सा पानी का छिट्टा देते हैं ताकि मिर्च जो है वो थोड़ी सी विल्ट हो जाए। अब डालेंगे अमचूर का पाउडर, वो खटास के लिए। एंड फाइनली थोड़ा सा गरम मसाला, और ये टिपोरे तैयार। बढ़िया से टिपोरे तैयार है, पूड़ी का आटा तैयार है। अब बनाएंगे एक बढ़िया सा पुदीने का रायता। आधी कटोरी मिंट और साथ में डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच चीनी, दो छोटे चम्मच दही।
अब इसके साथ बढ़िया से पुदीने की पेस्ट बन जाए और फिर उसे दही में मिला दिया जाएगा। साथ में मिलाएंगे तो हल्का सा भुने जीरे का पाउडर, साथ में लाल मिर्च का पाउडर। बस अच्छे से फेंट दीजिए, रायता तैयार। अब पूरी इसमें जब डुबाएंगे खाएंगे मजा आएगा। चलिए टिपोरे तैयार हैं, रायता तैयार है, अब टाइम है कि पूड़ियों को फ्राई कर लिया जाए बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी। तो जरा सा डो लेके उसको एक गोल लोई में पहले रोल करेंगे। चकले या चॉपिंग बोर्ड पे जिस पे भी आप बेल रहे हैं उस पे हल्का सा ऑयल डालकर इसे राउंड बेलेंगे और गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। ये वाली पूड़ी जो है ना इसे गर्मा गर्म तेल में ही फ्राई करनी चाहिए, नहीं तो ये फूलेगी नहीं। जी हाँ, अगर आपने मीडियम हॉट ऑयल में डाल दिया, ठंडे तेल में डाल दिया, ये नहीं फूलेगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर आलू भी है, सूजी भी है, इसलिए हॉट ऑयल चाहिए इसको। कड़छी है उससे हल्का हल्का दबाओ, पूड़ी जो है फूलनी शुरू हो जाएगी। फिर नीचे से तेल ऊपर से डालो और फिर उसके बाद जब फूल जाए फिर इसकी साइड टर्न करो, दोनों साइड बढ़िया से पकाओ और फूली फूली पूड़ी निकाल दो। रायते के ऊपर हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा जीरे का पाउडर जरूर डालिए। बढ़िया पुदीने का रायता, मिर्ची के टिपोरे और ये क्रिस्पी क्रिस्पी आलू की पूड़ी जिसके अंदर आलू डो के अंदर है। जी हाँ, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और संडे हो चाहे मंडे इसे ज़रूर बनाइए।